हेलो एवरीवन, इस बात में कोई शक नहीं कि एमसीयू मूवीज और उनके कैरेक्टर्स पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनको मूवीज में निभाने वाले एक्टर्स को अगर आप उनके नाम से नहीं भी जानते हों तो उनके एमसीयू कैरेक्टर के नाम से तो जानते ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कैरेक्टर की जिसको हम शरारतों के देवता यानी कि गॉड ऑफ मिस्चीफ के रूप में जानते हैं, लोकी। लोकी नाम लेते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही एक्टर की इमेज आती है, टॉम हिडलसन, जिसने इस मार्वल कॉमिक बुक विलन को सिल्वर स्क्रीन पर एक नई पहचान दी और हम सबके दिलों में जगह बनाई। आज की डेट में यह कैरेक्टर टॉम हिडलसन की बदौलत इतना पॉपुलर है कि एंड गेम के बाद मार्वल ने लोकी की लाइव एक्शन सीरीज शुरू कर दी है। लेकिन ये कैरेक्टर आखिर है कौन? इस कैरेक्टर की शुरुआत मार्वल कॉमिक्स में कैसे हुई और कॉमिक बुक्स और मूवी वर्जन में लोकी कितना डिफरेंट दिखाया गया है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लोकी नॉर्स माइथोलॉजी को बिलोंग करता है। नॉर्स आज की डेट में नॉर्थ जर्मन्स हैं। मार्वल कॉमिक्स ने लोकी को बनाया नहीं बल्कि अपने खुद के वर्जन में अडेप्ट किया है। लोकी की सबसे पहली मार्वल कॉमिक्स अगस्त 1939 में पब्लिश हुई और उसको भी एक नए वर्जन में देखा गया अक्टूबर 1962 में, जिसमें थॉर भी था। इस नए लुक को बनाया था स्टैनली, जैक कर्बी और लैरी लाइवर ने, जो कि कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लेजेंड्स माने जाते हैं। आज की डेट में भी हम सभी ये जानते हैं कि लोकी एसगार्ड के शासक ओडिन का एडॉप्टेड बेटा है और इस तरह से थॉर का सौतेला भाई है, जो कि उससे बहुत चिढ़ता है और एसगार्ड पे शासन करना चाहता है। मूवीज में ये कहानी कहीं आगे जा चुकी है, लेकिन अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो एसगार्डियंस को हिम्मत, ताकत, बहादुरी और नेक दिली के लिए जाना जाता है और लोकी बचपन से ही इसके विपरीत था। उसने अपना इंटरेस्ट मैजिक यानी जादुई कलाओं में लगाना शुरू किया और बहुत जल्द जादुई कलाओं में सबसे बेस्ट हो गया, जिसके बाद अपने जादू को वो शरारतें करने में इस्तेमाल करने लगा और हमेशा उसका टारगेट थॉर ही होता था। बड़े होने तक लोकी पूरे एसगार्ड का सबसे शक्तिशाली सॉर्सरस बन गया। कॉमिक बुक्स और मूवीज में लोकी थॉर का सबसे बड़े शत्रु के रूप में दिखाया गया है, जो कि थॉर को किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से हटाकर एसगार्ड और पृथ्वी पर राज करना चाहता है। लोकी का कैरेक्टर शरारतों से बढ़कर ताकत, सत्ता की भूख और बदला लेने की भावना से भरे एक देवता में बदल गई। लोकी की सबसे नोटिसेबल कॉमिक बुक एवेंजर्स इशू नंबर 1 रही, जिसमें आयरन मैन, हल्क, थॉर, एंटमैन और वास्प को एवेंजर टीम का निर्माण करना पड़ा लोकी को रोकने के लिए। अगर आप ध्यान दें तो एवेंजर्स मूवी की स्टोरी भी डायरेक्टली इससे मेल खाती है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज नोन फ्रॉम द मूवीज, लोकी की शारीरिक शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसे मूवीज़ में नहीं दिखाया गया। मूवीज़ में लोकी फिजिकल बैटल में थोर का कभी मुकाबला नहीं कर पाया है, बट इंटरेस्टिंगली कॉमिक बुक्स में लोकी को थोर की टक्कर का ही दिखाया गया है। कई सारे एवेंजर्स और मार्वल कॉमिक सुपर हीरोज लोकी के सामने फिजिकल फाइट में भी नहीं टिक सकते। कई बार कॉमिक बुक्स में थोर से लड़ते वक्त लोकी ने थॉर को भी धूल चटाई है। कई बार थॉर के वारों का लोकी पर कुछ खास असर नहीं हुआ है, जो कि उसकी गजब की ड्यूरेबिलिटी का सबूत है। यहां तक कि उसने युद्ध के दौरान थॉर को एक ही हाथ से उठा उठा कर भी फेंका है। बॉटम लाइन ये है कि डिफरेंट कॉमिक बुक वर्जन्स में लोकी को एवेंजर्स से टक्कर लेते और जीतते हुए भी दिखाया गया है। लोकी दिमाग से तेज, बेहद समझदार और चालाक है। लाइव एक्शन मूवीज और एनिमेटेड सीरीज के अलावा कॉमिक बुक्स की दुनिया में लोकी का कैरेक्टर कहीं ज्यादा डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड और करिश्मेटिक भी है। जैसा कि कहा जाता है, किसी भी कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको अलग अलग मीडियम्स में अडेप्ट करवाना बेहद जरूरी है। अनडाउटेडली मार्वल ने यह काम बखूबी करके दिखाया है। जो कैरेक्टर हम कॉमिक बुक फैंस को एक समय तक कुछ खास पसंद नहीं था, आज उसको निभाने वाले एक्टर की वजह से वो कैरेक्टर पहले से कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उम्मीद है कि यही चेंज और इवोल्यूशन
इंडियन कॉमिक बुक्स में एटलीस्ट अब तो देखने को मिले। फैंस लोकी के प्रेजेंट सीरीज को बेहद पसंद कर रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक्स में ऐसी कई सारी स्टोरी लाइन्स हैं जो कि आज तक दिखाई ही नहीं गई हैं। अगर उन सभी कहानियों की बात करना शुरू करें तो ये एक वीडियो बहुत कम पड़ेगी लोकी की पावर्स और एबिलिटीज़ को बताने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो वेरी मच।